Hi guys, आज हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में कि एमएस वर्ड में इस पोजीशन पॉइंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए जाएंगे लेआउट टैब के अंदर, बिल्कुल राइट साइड पे अरेंज ग्रुप पे हमारे पास फर्स्ट पे पॉइंट होता है पोजीशन का। ये अभी डिसेबल है, इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आप कोई से भी शेप ले लें, टेबल या कोई भी पिक्चर वगैरह ले लें। हम यहाँ इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एक पिक्चर ले ली, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले अब दोबारा से जाएंगे तो हम लेआउट टैब के अंदर, ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे। अब लेआउट टैब में जाने के बाद अगर हम पोजीशन देखें तो ये इनेबल हो गया। इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक किया, सबसे पहले है इन लाइन विद टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है वही उसी की बिल्कुल, ठीक है, उसी के साथ आपकी इमेज होगी। इन लाइन विद टेक्स्ट पे आ जाता है विद टेक्स्ट रैपिंग। इसमें टॉप लेफ्ट, मिडल, बॉटम, राइट, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको यूज करके हम अपने पिक्चर की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये टॉप बॉटम, ठीक है, बिल्कुल बॉटम वाली साइड वाले पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास आ जाता है इसमें लास्ट पे, मोर लेआउट ऑप्शन का। यहाँ से अपनी मर्जी से हम पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ मर्जी से जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर लें। लास्ट पे लिखा हुआ मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट, इसके चेकबॉक्स को टिक कर देंगे एंड देन जैसे ही ओके करेंगे तो जिस तरह हमारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा और साथ में टेक्स्ट भी मूव करेगा, ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह इस पोजिशन पॉइंट का हम यूज करते हैं। थैंक यू।